The title of this module is example number 5 of moment of inertia. इसके प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारे पास ये क्या सिचुएशन है, किसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. कहता है जी, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया शोन इन फिगर विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि सबसे पहली बात ये कि आपने शेडेड पोर्शन का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. और किस एक्सिस के अबाउट? दोनों एक्सिस के अबाउट कहते हैं आप लहदा लहदा कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट भी कैलकुलेट करेंगे और वाई एक्सिस के अबाउट भी आप कैलकुलेट करेंगे. लेकिन थोड़ा सा आप जरा शेडेड पोर्शन को भी देखते चलें कि बेटा ये क्या कहता है. शेडेड पोर्शन में आप देखेंगे कि वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. बेटा ये कर्व आपके पास जो है ये है, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. और बेटा इसके बाद आप देखेंगे इसकी जो मैक्सिमम पीक जाती है y एक्सिस की तरफ, दैट लेंथ इज बी स्मॉल बी. और जो x एक्सिस की तरफ ये जो जहां तक ये जा रहा है बेटा, दैट इज योर स्मॉल a. बेटा इसको आपने याद रखना है. बहरहाल आगे चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो अब आप देखें कि फिगर वही मेंशन की हुई है और आपके पास फंक्शन जो डिफाइन हुआ है दैट इज y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. बेटा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. और ये आपको, ये जो प्रॉब्लम है ये आपको बहुत सारे जो है ना मसाइल का सलूशन देगा. जो भी जिस तरह के सरफेस एरिया आपके पास आ जाए, इररेगुलर सरफेस एरिया भी बास्केट आ जाए, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. इसके अलावा बेटा ये अगर आप थोड़ा सा ये कंसेप्ट यूज करेगा किस तरीके से आप जो है वो सरफेस एरिया के लिए आप इंटीग्रल यूज करते हैं. तो बेटा देखें यहां पर कहते हैं जी फ्रॉम फिगर, आप यही बात जो बेटा मैंने पहले तो अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि x की वैल्यू, फिर आपके पास क्या है, x की लेंथ a है और y की लेंथ आपके पास क्या है b. देन b इज इक्वल टू, बेटा ये आप सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखें k की जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू का अभी पता नहीं है. तो बेटा इसकी वैल्यू बेसिकली मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं. तो देखिए मेरे पास जो लिमिट्स हैं, फाइनल लिमिट्स हैं, वो क्या है, एक्स की जो फाइनल लिमिट है वो ए है, वाई की जो वैल्यू है वो दैट इज बी. तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस बिकम्स एज बी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, जो या आप कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू बी ओवर ए स्क्वायर. तो लिहाजा बेटा अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ के इन वन, सो वी ऑब्टेन आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू बी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू ए ओवर बी स्क्वायर रूट इनटू वाई स्क्वायर रूट. अब बेटा ये मैंने क्यों निकाला है, वाई की वैल्यू तो चले समझ आती है कि ये तो ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्यों निकाली है, बेटा इसकी लॉजिक जो है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी. अब कहते हैं जी कि नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस विल बी. अब बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं. इसका मतलब है ये आपका एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस, इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैलकुलेट करना है. कहते जी कि आई एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये फार्मूला तो आपको पता है. अब आप चूंकि मैंने पहले ये पिछले मॉड्यूल में ये बात की है कि बेटा आपके पास जो है वो अब रो नहीं इन्वॉल्व होगा, डी ए इन्वॉल्व होगा. तो ये आपके पास जो है वो क्या बनेगा, सरफेस एरिया वाई स्क्वायर डी ए. अब बेटा आगे सिचुएशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और समझने वाली है, और अगर एक दफा आपको समझ आ गई तो अगले वाला पोर्शन जो है आई वाई के लिए आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा. देखें कैसे. कहता है जी कि आपके पास ये वाई स्क्वायर है और ये एरिया आपने निकालना है. बेटा बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात यह कि अब आपने इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, ये वाला जो पोर्शन शेडेड पोर्शन है बेसिकली, और किसके अबाउट, अबाउट दी एक्स एक्सिस. अब बेटा अगर आप गौर करें कि अगर आपके पास जो है वो छोटा सा एक पोर्शन है बेसिकली, अब देखें डी ए अब रिस्पेक्ट टू डी वाई अगर आप करते हैं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप डी वाई लेते हैं तो डी वाई बेसिकली इसका मतलब है ये आपके पास छोटे छोटे, अगर आप पोर्शन मैं करूं ये छोटे छोटे पोर्शन अगर मैं देखूं इसके, तो ये आप देखें कि इसकी अगर ये लेंथ मैं करूं, ये लेंथ बेटा हर एक का लदा लदा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला जा सकता है. लेकिन अब आप सबसे पहले देखें कि इस पोर्शन को आपने कंसिडर करना है. तो कहता है कि इसका फार्मूला बेटा उसने क्या लिखा, सबसे पहली बात ये कि उसकी जो हाइट है, फर्स्ट करें स्मॉल हाइट है वो दैट इज डी वाई. अब बेटा अगर मैं डी वाई उसकी हाइट कहता हूं, अब कहता है ए माइनस एक्स कहां से बनेगा. अब a माइनस एक्स बेटा बेसिकली कैसे है, a क्या शो करता है, a बेटा इसकी मैक्सिमम ये हाइट है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन है a. अगर मैं सिंपल कहूं कि y x इक्वल टू a, बेटा x इक्वल टू a का मतलब क्या है, ये वाली लाइन आ जाएगी, ये लाइन आपके पास आ जाएगी. आगे कहता है कि माइनस x,
अब बेटा इसकी रिस्पेक्ट से अगर आप इस विजन से देखें, आप जरा ना थोड़ा सा इस विजन से देखें, यहां से इस तरफ से, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या होगा, ए आपके पास ये पूरे का पूरा रीजन आ जाएगा, ये सारे का सारा रीजन आपके पास ए का बन जाएगा, और आपके पास जो है ये आगे है एक्स माइनस एक्स, और बेटा यहां से आप देखें कि इस ये जो आपके पास वाई इज इक्वल टू के एक्स है, इसने नीचे वाला पोर्शन दिया है, तो जो आपके एक्स का जो यहां से अगर आप देख रहे हैं इस तरफ से तो एक्स की वैल्यू जो है ये आपके पास कौन सा पोर्शन देगा, ये वाला, और ये जो सारे का सारा पोर्शन था बेटा, ये सारे का सारा पोर्शन जो ए का पोर्शन था, इसमें से ये वाला शेडेड जो क्रॉस वाला पोर्शन है ये अगर मैं निकाल दूं तो फिर क्या कौन सा रीजन बचेगा, यही वाला रीजन बचेगा जो बेटा आपके पास ये जो शेडेड पोर्शन है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स डी वाई। अब डी वाई के रिस्पेक्ट से बेसिकली देख रहे हैं ना, इसकी इधर से हाइट या देखें, तो इस तरीके से आप पोर्शन को देखेंगे तो बेटा ये आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली दिस वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू। तो बेटा आप यहां पे जस्ट आपने एक्स, अब आपको लॉजिक भी समझ आ गई कि क्यों आपने एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी, तो ये यहां पे आपने फार्मूला जो है मेंशन कर दिया। तो बेटा एक्स की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, और बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइनली यू विल अराइव एट, बेटा मैं इसकी इंटीग्रेशन में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, तो बेटा ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी क्यूब ओवर 3 माइनस 2ab³/7। तो यहां से भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो बेटा फाइनली आई एक्स क्या आ गया, ab³/21। आगे चलते हैं बेटा, हमने आई वाई कैलकुलेट करना है। अब आई वाई की सिचुएशन देखें, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, कहता जी कि आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू डी ए, और उसको आपने डी ए को क्या लिख दिया, वाई इंटू डी एक्स। अब बेटा आप गौर करें कि अब आपने किसकी रिस्पेक्ट से करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई एक्सिस के अबाउट जो है आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इसके एक्सिस के अबाउट। अब आप देखें कि बेटा आपके पास जो है ये क्या पोर्शन है, ये सारे का सारा रीजन आर ए डी जो है आपके पास ये वाई के लिए आर ए डी निकला हुआ है, ये देखें इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये अब आपके पास जो है ये छोटे छोटे पोर्शन भी अगर आप इसे कंसिडर करेंगे dx, तो बेटा ये सारे के सारे अगर आप छोटा सा एक पोर्शन लेंगे, ये देखेंगे एक पोर्शन लिया, तो ये आपके पास dx है, तो ये जो इसकी लेंथ है ये आपके पास क्या बनेगी, दिस इज अगेन दिस लेंथ इज बेसिकली बिकॉज ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये वाई आ जाएगा सिंपली, तो बेटा ये तो बड़ा सिंपल है, ये सारे का पोर्शन आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं, सो दिस बिकम्स एज वाई इंटू डी एक्स। तो बेटा इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है, और इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड फाइनली यू अराइव एट b/a² (a⁵)5/5, और इसके बाद फर्दर आप देखेंगे तो आई वाई क्या बन जाएगा बेटा आपके पास a³(b/5)। तो बेटा आप देखेंगे जरा, आपने थोड़ा सा जरा फोकस करेंगे कि आपने बेसिकली ये इसमें सिर्फ एक ही चीज जो है वो टेक्निकल है, और वो टेक्निकल चीज क्या है कि किस तरीके से आपने शेडेड पोर्शन को जो है वो कैलकुलेट किया। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर बात यह है कि शेडेड पोर्शन तो आपका वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ही दे रहा है। अब बेटा बात तो आपकी सही है, लेकिन बात यह है कि आप किसकी रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, इधर से आप इस सिचुएशन की तरफ से देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो आपके सामने आ रहा है, लेकिन अगर नीचे से इधर से देख रहे हैं तो ये वाला शेडेड पोर्शन आ रहा है, तो लिहाजा दोनों को आपको बड़ी टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा कि किस तरफ से आप शेडेड जो है वो पोर्शन देख रहे हैं। तो बेटा इस तरीके से आपके पास जो है वो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आप कैलकुलेट कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो था आपके पास ab³/21, और वाई एक्सिस के अबाउट है a³(b/5) जो कि आपको कैलकुलेट करना था अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। सो दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल, थैंक यू वेरी मच।